ये सलीम भाई मतलब क्या लड़कियों से बिजी है, पैसा ही इतना है। अरे तेरी फोटो भेज रहा हूं, पागल हो गया क्या? पता मत कर। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुंशारी। तो आज है हमारा पांचवा या छठवा दिन, पता नहीं, मैं भी भूल गया हूँ। तो 27 डेट है आज। तो कल तो मैं मतलब पूरा ब्लॉग मतलब ख़त्म नहीं कर पाया। तो ख़त्म तो क्या करना है, क्योंकि अब मैं पार्ट्स में डाल रहा हूँ तो ख़त्म करने का मतलब नहीं है ना। तो आज हम जाएंगे यहाँ से मतलब चेकआउट करके, मतलब मुंशारी जाएंगे कपकोट। लेट्स सी देखो कहाँ रुकते हैं। तो रात को तो एक दिन में तो पूरा पहुँच पूछ पूरा कवर कर नहीं पाएंगे, कवर करने बेकार, काफ़ी थकान वकान भी हुई है कल से, 3-4 दिन से ट्रैवल ही करने में लगे। तो इसलिए तो पीछे का व्यू देख रहे हो आप, गुड मॉर्निंग व्यू खतरनाक क्या रहा आप लोगों को ले। ऊपर भी काफ़ी बर्फ़ पड़ चुकी है, देखिए आज तक कल तक तो दिन ये कल तक तो ये ऊपर तक थी, आज तो काफ़ी साफ भी है और धूप वूप भी है काफ़ी अच्छी। तो काफ़ी मज़ा आएगा गाड़ी वाड़ी चलाने में। तो क्योंकि यार ऊपर साइड का तो बर्फ़ होगी मेरे को लग रहा है, बट देखो क्या क्या होता है। कपड़े सब सब के सूख रहे हैं क्योंकि बर्फ़ बर्फ़ में भीग गए थे। तो इन अगोल भाई जूते सुखा रहे अपने। चलो गुड मॉर्निंग। और पीछे का व्यू चेक करिए आप, I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given that there is someone by your side. Coming back in sab ho chuke ready sabhi log, main abhi to filhal to main hi hu. To ready ka matlab mood ho hai ab baal alta aisi ho yahan kab se banaye banaye bhi nahi hai to yahan ban bhi nahi rahe. और तो मैं दिखा रहा हूँ कोई डॉगी, ये हमारा एक ये कुत्ता है यहाँ डॉगी है, ये हमारे साथ ही आया जब से हम आए ना यहाँ, यार ये होटल का पता नहीं इनका ही है शायद, तो ये यहीं है तब से, आपने उसमें पहले लोगों भी देखा होगा और तो अभी भी यहीं है। और नज़ारे चेक करिए यार, धूप आई तो कितना प्यारा लग रहा है, ये देखो अब एक ही ना। सोचो हमारे रूम से इतना प्यारा व्यू, तो आज तो ऊपर से तगड़े तगड़े व्यू आएंगे, क्योंकि देखो भी क्या क्या होता है, बने रहिए वीडियो में। तो अभी तो ऊपर को आएंगे तो और तगड़े तगड़े नज़ारे देखने को मिलेंगे आपको। और यहाँ से दिखाता हूँ मैं थोड़ा, अभी यार चप्पल भी नहीं, मैंने सॉक्स नहीं आ गया मैं भाई, दिखाता हूँ आपको मैं। तो ये देखो वो यहाँ पर तो यहाँ से देखिए पूरी बर्फ़ पड़ी है, थोड़ी बहुत यहाँ पर भी बची है बर्फ़। ये देखो व्यू तो चेक करिए, सारे पैसे इस चीज़ के हैं भाई, सारे पैसे। और यह नकुल हमारा भाई, कपड़े सुखा रहा, चड्डी अड्डी सुखा रहा अपनी, इनकी चड्डी गीली होगी इसलिए सबके कपड़े सूख रहे हैं। और ये ऐसा कुछ है हमारा रिजॉर्ट या होटल जो भी बोलो। तो फिलहाल तो अभी ऐसी फ़िलहाल तो अभी बैठे ही हैं, अभी चलते हैं, मतलब 10-15 मिनट में निकल जाएंगे यहाँ से, ब्रेकफास्ट रस्ते में करेंगे। तो लेट्स सी जो जो होता है आपको बताते रहेंगे, वीडियो में बन रही है, अपडेट देते रहेंगे। और तो भाई जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिए, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लेना। और वीडियोस तगड़ी तगड़ी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी, इसलिए नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं, सभी हो चुके हैं रेडी, मतलब बैग वैग मैंने लटका चुका है। और तो देखते हैं गाड़ी स्टार्ट उतनी होती, इसको हटाओ सर भाई। स्टार्ट तो कर लेते हैं, स्टार्ट करके देखते हैं होती नहीं होती। होगी भाई स्टार्ट, सारे होनी चाहिए ना भाई। होटल से चेकआउट तो कर लिया हमने, तो अब क्लॉथ्स पहनता हूँ मैं, तो चलते हैं सीधे। आज वो आज कपकोट है वैसे स्टे का, तो उस अबे जहाँ से खड़े, चलो ठीक है भैया मिलते हैं जरूर ना, जहाँ से आ जाओ, चलो आते हैं फिर मिलेंगे। सभी को बाय बाय बोल दिया, अब चलते हैं, नकुल भाई हमारे आगे चल रहे हैं। हेलो हाँ मिला है ना पूरा, बहुत हो गया बर्फ़ है, बहुत झील है बर्फ़ यार, मेरा कल भी देखा हुआ आपने क्या हुआ।
सो गाइस देखिए यह है मुंशारी और यह पहाड़ वाड़ है, यहाँ पे मंदिर भी है और हमारे बॉयस, और ये ऐसा कुछ है यहाँ का माहौल। आगे वहाँ भी बर्फ़ पड़ी है, ऊपर साइड तो बर्फ़ पड़ी है, बस रोडों में ना बर्फ यार, बहुत दिक्कत आ रही है ना कोई। आज हमारा पीछे का लास्ट टूर है, लास्ट दिन है हमारा, तो करते हैं मुंशारी को बाय बाय, अगली बार जरूर आएंगे, बहुत अच्छी जगह है। ओके बाय, बहुत सुंदर जगह है भाई, बहुत आगे उस अब अगली बार जाएंगे तो वहाँ से आएंगे, धारमा वारमा जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, पक्का जाना है इस बार तो, और दोबारा आना सीधे ऊपर को है, चला गया होगा वही। अरे ये पूरा भरा हुआ था, लगा लो रोड में, एक दिन में बहुत फर्क हो जाता है, धूप से बहुत फर्क हो जाता है ना, वही ना उधर साइड को होगी जहाँ हम जा रहे हैं ना अभी। हाँ देखिए इतनी गंदी रोड है, कल पता चल ही नहीं रहा था कि कहाँ रोड है क्या है, आज देखो करीब आज बदल रहा रोड कैसी, ये देखिए ब्लैक स्नो हो जाती है ना यहाँ, इसमें ये दिक्कत करता है और कोई दिक्कत नहीं करता, अभी बहुत साफ हो रही, पूरा भरा था भाई, इससे भी ज़्यादा था यहाँ, कहते रहो फुल थी यार, जितनी साइड में ना उतनी ही थी, वही साइड से ज़्यादा भाई, अभी जितनी है ना साइड में उससे ज़्यादा था भाई, यहाँ तो बहुत कम हो। सो गाइस कल तक जो रोड देख रहे हैं पूरी बर्फ़ से ढकी थी, जिसने पिछला व्लॉग जाके देखा नहीं है वो जाके देखिए प्लीज़, उसमें काफ़ी एडवेंचरस चीज़ें की है। सो गाइस थोड़ा सा ऊपर आए और यहाँ मतलब कल के बराबर तो उसमें है नहीं, बट साइड में है, कभी कहीं पर ब्लैक इसमें है, दिक्कत कर रही है, और अभी दोबारा स्नोफॉल होने लग गया, पता नहीं क्या सीन हो रहे हैं, ये देखो ब्लैक आइस, आराम से हमने क्या यार जो किया ना हैंगर, भाई मेरे को तो ये लग रहा है रोड देखो, और भाई जो वो आराम से भाई, ऐसे में कौन आ सकता है, बताओ कौन भाई बोला भाई, और कोई और कोई अभी भी हमारे अलावा कोई नहीं है, नहीं कोई भाई, सब कार वाले थे, अगर बाइक वाले कोई दिखे ही नहीं, नहीं हम कहाँ दिखे, वो लोकल के ही थे जितने थे, वो यहाँ पैदल आए निकुल, हम सोच भाई साहब गाड़ी खींचते हुए ना ना भी ना, चमड़ा लेट में गर्म होता ना, ये दिक्कत है, लेकिन अभी जब मैंने पहने थे ना ठंडे भी जल्दी हो जाते चमड़ा। हाँ हाँ ये देखो दोबारा से बोल यार, जल्दी निकल जाए पैच ना यार, साला अभी दोबारा भर जाएगा, नीचे से पैसे निकल जाए बस, नीचे वाला वही ये पैसे नॉर्मल है, तो नीचे वाला दिक्कत, राता पानी तक काला मुनी पहुंच जाए, काला मुनी हां फिर कोई दिक्कत नहीं है, काला मुनी और राता पानी पहुंच जाए। कल हम परसों यहाँ से आए थे, देखो पूरी भरी थी स्नो से, मतलब पड़ रही थी, हमारी इतनी हालत खराब हो चुकी थी, और अभी का देखो हाल, और उस दिन का हाल देखो है, बैटरी लो है ना, तो अभी देखिए कितनी साफ रोड है, मतलब इतनी मुश्किल कैसी रोडों से आए हैं भाई, नकुल देखो यहाँ फंस गए थे उसमें हम, यहाँ पर गाड़ी मत दे, मतलब कैसे चलाई थी हमने गाड़ी, हमको तो गाली की जरा फिर हट, तो देखिए ऐसी रोड से आए, मतलब मैं तो यकीन ही नहीं कर रहा हूँ भाई मैं अपने आप पे कि हम आए हैं, हम यहाँ से आए भाई, भाई साहब ये देखिए आप ये रोड देखिए, मैं चलाऊँ तो गाइस अभी आ चुके हैं हम ये गिरी गाँव ना, गिरी गाँव में, तो यहाँ पर एक भैया का ढाबा है, तो यहाँ पर रुके हैं हम चाउमीन वाउमिन खाने के लिए, और तो कुछ है नहीं, तो यहाँ से क्या प्यारा व्यू आ रहा है। नकुल भाई कैसा लग रहा है आपको, ठंडा हो रहा है भैया, ठंडा हो रहा भैया, धूप हो रही है तो आनंद, तभी बैठे हम यहाँ पर, आनंद मिल रहा है, और ये बहुत ठंडा हो रहा है यहाँ, सलीम भाई मतलब क्या लड़कियों से बिजी है, पैसा ही इतना है, तेरी फोटो भेज रहा हूँ पागल हो गया, पता मत कर खाली,
नहीं मजाक कर रहे हैं, सारे भाई ऐसे काम नहीं करते हैं, बट कभी कभी हो जाते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखिए तो ऊपर साइड का तो बर्फ बर्फ पड़ी थी, तो इसलिए अब यहाँ पर नीचे को धूप आई थी तभी इसलिए रुक गया, मतलब रहा नहीं गया धूप देख के। तो अभी सीधे यहाँ से नॉन स्टॉप चलेंगे, हमें जाना है अभी देखिए वहाँ, ये आपको दिख रहा हो, यहाँ से यहाँ जाना है पूरा उधर उधर, उससे ही पार जाना है, इस पहाड़ी के पार जाना है उस पार। तो आज देखो कपकोट मोहित भाई के कुछ रिश्तेदार हैं रिलेटिव्स, तो उनके वहाँ रुकेंगे, कह तो ये रहे देखो क्या होता है, जो भी होता है कितने बजे तो वो 4-5 बजे तक पहुँचेंगे। गाइस कुछ बोलना चाह रहे हैं? गाइस मैं सोच रहा हूँ इस बार हम कपकोट में क्या नाम है एक आपको कुछ अच्छी चीज़ दिखा सकते हैं। क्या क्या बताइए? कपकोट में बहुत चीज़ें देखने लायक है। पता है? नहीं मुझे पता नहीं है, पर मैंने सुना है कि कपकोट में बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं घूमने के लिए। तो ठीक है वहाँ दिखाएंगे। तो हम आप तो हमारी इस वीडियो के साथ बने रहे, हम आपके जल्द मिलते हैं। तो जल्द मिलेंगे। तो अभी चौमिन वोमिन खाते हैं, चौमिन वोमिन दिखाएंगे। सो गाइस अभी आ चुकी है हमारी चौमिन, और ये खा रहे नकुल भाई, नकुल टेस्ट करके तो बताओ। तुम भी खाओ। दर्शकों को हम तो खा लेंगे, सही हो रही है। तो अब हम खा रहे हैं चौमिन, हम भी टेस्ट करके बताते हैं कैसी हो रही चौमिन। काफी अच्छी तो बनाई है देखिए, और पहाड़ों में खाने का मजा ही कुछ और है यार चौमिन का ना। मिल जाए वही चलिए भाई, और ऐसे लोकेशन में मैगी मिल जाए तो भाई कुछ और ही बात। सो गाइस चाय भी आ चुकी है हमारी, चौमिन तो खा लिया, चौमिन काफ़ी टेस्टी थी। ये इन बेगर वो है ढाबा है। सो गाइस थोड़ी देर रुकने के बाद चौमिन और चाय वाय पीने के बाद अब जल्दी है, चाय चौमिन और चाय पीने के बाद चौमिन खाई, मतलब सबको पता है चौमिन तो खाते हैं, पीते थोड़े अब तो आप सीधे चलते हैं नॉन स्टॉप। एक दो ब्रेक लेंगे, मतलब थोड़ा आता हूँ डीजे डाले करने के लिए, वही और एक्सचेंज करने के लिए। तो लेट्स सी देखो कब तक पहुँचते हैं हम, अभी 3 बज चुका है लगाओ, बहुत लेट कर रहे हैं यार ये लोग। 75 किलोमीटर जाना है यहाँ से, और बिरती फॉल भी आने वाला है जस्ट थोड़ा सा ही दूर है, नहीं दो यहीं पर तो बगल में ही है वो, 1-2 किलोमीटर मान के चलो। तो काफ़ी अच्छी बनाई थी चौमिन यार, और गिरी गाँव में स्टार्टिंग में पड़ता है इनका ढाबा है, तो मैगी पॉइंट करके है बहुत अच्छा है, मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी मैगी यार भाई गोल्डी। सीरियसली बहुत मतलब पहाड़ों के हिसाब से ना यार, पहाड़ों के लोग भाई खाना भी अच्छा बनाते हैं बहुत। बागेश्वर यहाँ से जाते हैं, पता नहीं हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वाली रोड से, तो यहाँ से पहले के लिए कपकोट पड़ेगा। वैसे भी हमको आज वैसे भी कपकोट ही जाना है, तो बढ़िया हो गया हमारे लिए, मतलब देखो रोड देखो खतरनाक ही है, हमारे गांव जैसी ही रोड है, मतलब गांव में जो होते हैं हाईवे प्रॉपर हाईवे वाली रोडें नहीं है, मतलब गाँव साइड होती है रोड है उस टाइप की रोड है देखे, और यहाँ से आगे पहाड़ियाँ देखो भयंकर खतरनाक ही, ब्लाइंड मोड है पूरे ब्लाइंड मोड। तो उससे 8-9 किलोमीटर पहले, और शाम सूरज ढलने वाला है, और ये भाई लोग हमारे यहाँ देखिए पहाड़ी कितनी सेक्सी लग रही है भयंकर, और यहाँ पर हिमालय देखो कितने पास है, और तुम्हारे भाई की बाइक तो बाइक के साथ और हिमालय का व्यू क्या सेक्सी लग रहा है यहाँ से। और यहाँ से चलते हैं जल्दी, चलो यार फिर वहाँ बारिश वारिश भी आने वाली है, तो चलो यहाँ से चलते हैं, मतलब बहुत लंबा हो गया यार ये, बहुत 100 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं होता, इतनी लेट क्यों लगा रहे हैं हम,
एक तो 12 बजे निकले ना, गाड़ी की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है। और वो देखिए आप ये क्या कहाँ हैंगर क्या लगे हैं यार, क्या लग रहा है इसे, क्या ही बोले वो देखो। और ये वाली पहाड़ी में देखिए हल्की सी धूप और ऊपर से छाया, कैसी खतरनाक लग रहा है वो धुआं टाइप का, पता नहीं क्या आ रहा है पर शायद आई थिंक वहाँ जाना है, वहाँ से जाना है हमें, वहाँ से उधर को वाली पहाड़ी में उधर साइड। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं हम कपकोट, अभी रूम पे है तो अंधेरा हो चुका था तो मैंने इसलिए व्लॉग शूट किया नहीं। तो इस व्लॉग में इतना ही, तो वैसे मैं पार्ट्स में डालूंगा तो व्लॉग को एंड करने का क्या मतलब बनता है, तो लेट्स देखो आगे क्या क्या होता है, मैं बताते रहूँगा वैसे वीडियो में। तो देखो सुबह या अभी देखो कुछ अगर कहीं बाहर जाने का तो है नहीं, क्योंकि अंधेरे में यहाँ ना बेकारी कुछ होगा नहीं। तो सुबह मिलेंगे आपसे, मिलते हैं अभी सुबह सीधे, देखो कल सुबह निकलते हैं या रुकते हैं जो भी होता है आपको पता चल जाएगा। इसलिए वीडियो बन रही है, जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, थोड़ी देर में क्या सुबह ही मिलते हैं।